अब हम अम्बाला पहुंच चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छी रेलिंग लगाई हुई है साइड पे। इसी से देख के पता लग जाता है कि अम्बाला और बहुत फेमस चीज आ चुकी है अम्बाला की, इंद्रधनुष। और इन्होंने लाइटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है, ये वाली रात को जलती है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। परिणीति चोपड़ा यहीं पे रहती है, उसका घर यहीं पे है मतलब। और ये लेफ्ट साइड पे जग्गी सिटी सेंटर। अब मैं लगा हूँ पीने पानी, आप जब तक सिनेमैटिक्स एंजॉय करें। गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी जायरो स्टेबलाइजेशन कैसी लग रही है। आपको हम बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे होंगे जो भी थोड़े बहुत फ्लाई ओवर पे आ रहे हैं, पर आपको आवाज सुन के पता चल रहा होगा कि कुछ खतरनाक काम हो रहा है। तो गाइस अब हम अम्बाला कैंट पहुंचने वाले हैं और इधर लेफ्ट साइड पे हम आर्मी हम एरिया है, हमारी हिंदुस्तान की जवानों की सेना, आरपीएफ सेना। और ये अम्बाला कैंट 1.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं और इसके लिए हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, लेकिन हमने तो दिल्ली जाना है और इसलिए हम सीधा आ जाएंगे 210 किलोमीटर। बट वी आर गोइंग थ्रू द एक्सप्रेस पेरिफेरल हाईवे एक्सप्रेस वे, सो दैट्स वाई वी हैव टू मूव 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा फॉर दैट। ओ वाह, अंग्रेजी आ गई मुझे। ओके, मतलब वी हैव टू ट्रैवल। जो कि दानिश जी गा रहे हैं, मोहम्मद दानिश। अगर आप इंडियन आइडल देखते हो तो मोहम्मद दानिश को जरूर वोट करें, मेरा सबसे फेवरेट और मेरी कह लो मेरी फैमिली का सबसे फेवरेट मोहम्मद दानिश है, तो इसलिए हम सिर्फ उसे ही वोट करते हैं और आप भी जरूर उसे वोट करें, वो बहुत अच्छा गाते हैं। आजकल एक नई फेवरेट पैदा उभर के आ रही है, वो जीएस इंजीनियर की आजकल एक नई फेवरेट उभर रही है। हाँ, जिसका नाम है अरुणीता कांजीलाल। आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अम्बाला कैंट, सो गाइस ये लेफ्ट साइड पे अम्बाला कैंट शुरू होता है, कैंट एरिया। अब हम क्रॉस कर रहे हैं, ये जो कि थोड़े टाइम तक हो जाएगा 1857 की इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये वॉर मेमोरियल बेस्ड है। और अगर जब बन जाए तो आप जरूर देखने आना, हम पहले ही प्रमोशन कर रहे हैं। पानीपत अभी 107 किलोमीटर है, 107 मतलब उसके बाद आप 150 जाना। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं ढाबे पे और अब हम करेंगे कुछ कह लो लंच, या हाँ लंच ही कह लो, लंच करेंगे, उसके बाद
फिर निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और इन्होंने देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा बना है। अब देखते हैं अंदर जाके। मोस्टली हम वह जब निकलते हैं हम आलू के पराठे ही खाते हैं, अभी हम वही खाएंगे। और नंगा पोंगा ऐसी। सो गाइस अब भी हमने लंच कर लिया है और चाय पी एकदम कड़क वाली चाय मसालेदार, और पावर एकदम फुल ऑन आ गया है। अब हम बस जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं करनाल और पावर इतनी एनर्जी मतलब एनर्जी पूरी हमारी हाई लेवल है अभी भी। और सड़क एकदम अचक, सड़क एकदम है मक्खन मलाई। ये देखिए और अब हमने थोड़ी देर बाद मतलब 90 किलोमीटर्स के बाद नहीं कुछ 10-20 किलोमीटर बाद आप जड़ा गोहाना वाला हाईवे है वो चढ़ जाना, तो उस तो बाद अगे की जर्नी कंटिन्यू करांगे। तो थोड़े जा टाइम लैप देख लो जाते। सो गाइस अब हम लेफ्ट होंगे और हमने दूसरे रास्ते से जाना इसलिए हमें लेफ्ट होना पड़ रहा है नहीं हम हो रहे हैं। सो फनी यहां से हम लेफ्ट लेके ओ लाना जेड़ा थे इधर कर्व वाला लेफ्ट आना। या या टर्न लेफ्ट ऑन टू द रैंप टू नेशनल हाईवे 709। ओके सो गाइस अब हम टोल पे पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये भी टोल नहीं लगना चाहिए क्योंकि अच्छा ये लगेगा तो ये टोल लगेगा नहीं लगेगा ये गाइस ये भी टोल क्योंकि किसान एकता जिंदाबाद बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। हम आजकल टोरे में घूम रहे हैं मतलब घूम नहीं रहे अभी घूम रहे हैं तो नहीं निकलते घर से बाहर। और जर्नी बहुत बढ़िया जर्नी अब तक गिल्ला ही देख रहा। सो गाइस आ देखो इतने मीह पै के हटे आया तो सड़क एन गिलियां आया तो गर्मी से थोड़ा जहा इदा लगता कि बाहर फर्क पे होना ठंड हुई होगी मतलब थोड़ा जहा मौसम से फर्क पे होगा गर्मी घट गई होगी माड़ी मोटी मौसम बहुत वधिया लग रहा बाहर है। इस हाईवे ते आंदा बहुत फायदा हो गया रस्ता एक तो बहुत सोहना उतो इदा दा मौसम देखण नूं मिल गया वह भी बहुत वधिया गल आ। आंटी दा रुमाल उड़ गया दिल्ली के पास एरिया इतना हरा भरा।
roads are pretty good in this segment. Badal dikhao. गाइस सामने देखो नज़ारा कितना सुंदर हुआ है और देख के बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा मौसम होता है, बंदे को कूल कूल फील होता है, सारे स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं। अब पंजाब जैसी सड़कें यहाँ बन गई हैं, मतलब जैसे ये पेड़ है आरसी 200 पेड़ आले तो वाले सड़क की सही है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अगले टोल गेट पर और उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे भी टोल गेट शायद नहीं लगेगा। नहीं लगना। और चलो जी नहीं लगे यार। रेड चक्के हुए। हाँ जी। ये फिर भी मोरे ही बैठे हैं, कैमरामैन बदल गया। हाँ जी। और गाइस हम अब ये भी निकल चुके हैं और यहाँ पे देखो हमारे किसान भाई साढ़े पांच किलोमीटर के बाद हम लोग पड़ जाएंगे उस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे या एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली का या फिर गुड़गांव का कह लो सबसे फेमस रोड्स। और यहां से हम जाएंगे मानेसर और मानेसर से हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे जो कि है गुरुग्राम। और चलो आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, आप जब तक के लिए थोड़े से टाइम लैप्स देखो। गाइस अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो आज का सफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है और अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे अब। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस हम 828 पे पहुंच गए थे, मतलब 828 के पहुंच चुके हैं और हमारी अब सफ़र एंड हो गया है और अब मैं आपको अगले एपिसोड में ही मिलूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लीव अ लाइक शेयर एंड कमेंट and subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of new video. This is AS Engineer signing off.